बिजनौर खबर टीवी में आपका स्वागत है। बिजनौर के जीतपुर खर्ग में बिजली विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। घरेलू बिजली चेकिंग के दौरान ग्रामीणों ने टीम पर किया फावले से हमला। अधिशासी अभियंता अनिल पांडे की हालत नाजुक। एसडीओ सेकेंडरी जय सहित कई कर्मचारियों के साथ की गई पिटाई। ऐसी विद्युत विभाग ने थाने में दी तहरीर। पुलिस फरार ग्रामीणों की तलाश में जुटी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मारुति सिंह, 88 ईयर का। एक्शन साहब पे हमला हुआ है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि बिजली चोरी रोकने के लिए पांडे जी अपने टीम के साथ गए हुए थे। गाँव खड़गपुर है, तो वहाँ एक व्यक्ति की बिजली चोरी करते हुए हमने पकड़ा था। मौके पर उसकी बिजली काटी थी और डायरी में अपना नाम निकला और बीड़ी चोरी बात यही और पुलिस बीडियो दाखिल कर रहे थे। उसके बाद में इतना उग्र हो गया कि उन्होंने बीजेपी की टीम के ऊपर हमला किया। बातचीत करते करते हमला किया और पांडे जी के सिर में कोई ऐसा धारदार हमले से हमला किया क्योंकि उनके पीछे बहुत यहाँ पर लगा, तो उससे खून वून उनके सिर से निकला और पांडे जी वहीं गए। वो तो अच्छा था कि टीम साथ थी, हम उनको भी हाँ गली आए थाने आए तो वहाँ से अपना मेडिकल करवाया गया। सुबह मनो पानी बहुत ज़्यादा बेहोश थे, हम तुरंत आ गए। पूरी थोड़ी ठीक है, इसकी हवा हवा चली थी, गला चढ़ गया। तो ये कि हमको लोगों की सेवा है, बिजली चोरी रोकना हमारा काम है और बिजली की व्यवस्था को बनाए रखना भी हमारा काम है। लेकिन लोग इस तरह से अगर हमारी टीम के साथ या हमारे अधिकारियों के साथ या हमारे लोगों के साथ इस तरह से अगर व्यवहार करेंगे, जहाँ पर पूरी जान माल की क्षति हो सकती है, तो ये बड़ी गंभीर बात है। और इसको लोग बहुत हल्के में ले रहे हैं कि जब चाहे जब बिजली वालों को ट्वीट दिया। मरीना में भी एक परसों कल परसों केस हुआ था, उसमें भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, न कोई अभी तक अरेस्ट किया गया है। तो हमारा पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है पांडे जी बच गए, अन्यथा जो स्थिति सुबह पैदा हुई उनका मरना निश्चित था। जो हालात सुबह की मौके पर पुलिस प्रशासन से हम ये अनुरोध हम ये कर रहे हैं, चाहे कप्तान साहब से और डीएम साहब से, मुकदमा तुरंत इसका लिखा जाए हमारा, और जो भी इसमें दोषी हैं उनको पकड़ के जेल में डाला जाए। क्योंकि ये बात अब एक दिन की नहीं है, क्योंकि बिजली वालों के ऊपर कहीं ना कहीं किसी तरह रोज हमले हो रहे हैं, जो बर्दाश्त अब हम लोगों से हो नहीं पा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा कोई बोझ हमें करना पड़े, ऐसी स्थिति ना आ पाए। यहाँ के डीएम साहब से हम दोबारा फिर नोट करते हैं कि जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई